हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके कुजी में। दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, पंजाब स्टेट एग्ज़ाम, इसके अलावा मास्टर कैडर, ईटीटी कैडर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पढ़ते हैं आज की बड़ी खबर को। आज की बड़ी खबर निकल के आई है, स्टूडेंट्स ने एमएचआरडी मिनिस्टर को ट्वीट किया है और उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट का ख्याल है तो स्थगित करें सीबीएसई एग्ज़ाम समेत जेईई मेन और नीट। तो चलिए पढ़ते हैं पूरी खबर को। लुधियाना, कोरोना वायरस के तेज़ी से बढ़ रहे मामलों के बीच उन स्टूडेंट्स की टेंशन अधिक बढ़ने लगी है जिन्होंने जुलाई में निर्धारित सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के साथ जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अपीयर होना है। परीक्षा को रद्द और स्थगित करने के लिए स्टूडेंट्स व उनके पेरेंट्स ने मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल निशंक को ट्वीट भी किए हैं। स्टूडेंट्स ने मंत्री की ओर से बीते दिन किए गए ट्वीट कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता स्टूडेंट्स की सेहत और अच्छी क्वालिफिकेशन है के जवाब में किए। स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार को एग्ज़ाम स्थगित करने बारे जल्दी ही अपना फैसला लेना चाहिए। बता दें कि जेईई मेन की परीक्षा 18 से 23 जुलाई और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जानी है। इससे पहले सीबीएसई की परीक्षा 1 से 15 जुलाई से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड कई सुविधा भी स्टूडेंट को दे दी है, लेकिन देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्टूडेंट्स दोनों परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सीबीएसई बोर्ड समेत एनटीए की ओर से परीक्षा रद्द की जाती है या कोई नई गाइडलाइंस जारी की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने जो ट्वीट किए हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एमएचआरडी मंत्री के ट्वीट पर एक स्टूडेंट ने लिखा है कि अगर ये सच है कि सरकार को स्टूडेंट्स की सेहत का ख्याल है तो वह नीट 2020 एग्ज़ाम को स्थगित करने का सही फैसला लेंगे। वहीं दूसरे स्टूडेंट ने लिखा है कि सर, ये बहुत निराशजनक है, आप स्टूडेंट की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं, कृपया हमें जवाब दें। एक अन्य स्टूडेंट ने लिखा, परीक्षा केंद्र तक जाना सबसे बड़ी समस्या है, प्लीज़ जेईई मेन 2020 एग्ज़ाम को रद्द कर दें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई से मांगा है जवाब। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कुछ अभिभावकों ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि और 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर रद्द करने की मांग भी की है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी। इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी कर चुके हैं मांग। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर मांग की है कि सीबीएसई के बचे हुए पेपर ना कराए जाएं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते जो हालात पैदा हुए हैं उनमें एग्ज़ाम कराना बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा एग्ज़ाम रद्द करने प्री बोर्ड या इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।